हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको गांधी जी के ऊपर एक कहानी कविता सुनाने जा रही हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पता है आपको, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और ये बहुत ही महान नेता थी जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, इसीलिए हम इन्हें हर वर्ष 2 अक्टूबर को इनकी जन्म दिवस पर इन्हें याद करते हैं। इन्होंने ही हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। कोई बोले बापू तो कोई बोले आज़ादी की आंधी। बचपन से ही उन्हें दो चीज़ों से ता लगाव, एक था सच्चाई दूसरी थी पढ़ाई। बात उन दिनों की है जब भारत पर था अंग्रेजों का राज और गांधी जी का सपना था कि बिना बंदूक बिना लड़ाई पहनाओ मैं भारत को आज़ादी का ताज। लेकिन ऐसा करना नहीं था आसान। जब भी वो उदास होते या थक जाते वो अपने तीनों बंदर की तरफ देखते और खुश हो जाते। गांधी जी के तीन बंदर रहते थे उनके मन के अंदर। अब बच्चों आप पूछेंगे, बंदर और मन के अंदर? बंदर था या जादू था या कोई मस्त कलंदर? कहाँ से आए बंदर सारे? कोई बोले जापान से प्यारे न्यारे। बंदर थे तीन और नाम थे हसीन। बंदर थे तीन और नाम थे हसीन। कोई बोले मिजारू, कोई बोले किजारू, कोई बोले इवाजारू, या कोई कहे उन्हें बापू बंदर के तन। हमने सुना है बापू जी के तीन बंदर रहते थे वो मन के अंदर। आँख कान और मुंह दबाए, आँख कान और मुंह दबाए, जीने का वो सबक सिखाए। यही सबक था उनका टीचर, बने तभी वो सबके लीडर। गांधी जी के तीन बंदर रहते थे वो मन के अंदर। भारत छोड़ो साइमन वापस जाओ, विदेशी चीजें छोड़ो स्वदेशी अपनाओ। गांधी जी के तीन बंदर बोले हर भारतवासी के अंदर। बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न तुम अपनाओ। बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न तुम अपनाओ। जब भी मन में नफरत नाचे या लालच खटखटाए, बापू जी के तीन बंदर यही आकर तुम्हें सिखलाए। बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न तुम अपनाओ। बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा न तुम अपनाओ। प्यार करो अपने माता पिता, अपने पड़ोसी और अपने देश से। और अगर कोई आपसे नफरत करे, आपको धोखा दे, तो आप उसे जल्द ही माफ़ कर दें, क्योंकि गांधी जी के तीन बंदरों के द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है उन्हें हम सबको अपनानी चाहिए, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी को याद कर सकें और उनके जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। बुरा न सोचो बुरा न बोलो, बुरा न रखो अंदर। हाथ उठाकर हमसे कहते गांधी जी के तीनों बंदर। आँख कान और मुंह दबाए, जीने का वो सबक सिखाए। यही सबक था उनका टीचर, तभी बने वो सबके लीडर। गांधी जी के तीन बंदर रहते थे वो मन के अंदर। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये कविता? और हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें ना ही कभी बुरा देखना है, ना ही कभी बुरा बोलना है,
और ना ही कभी बुरा सुनना है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, अब ये कहानी आप औरों को भी सुनाइए। बाय बाय, हैप्पी गांधी जयंती।